हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 11.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इफ़ कॉस थीटा बराबर 4/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ कॉस थीटा बराबर 4/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पर है कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, b/h। इट मीन्स कि जो b का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 4 निकल जाएगा और h की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर 5 निकल जाएगा। तो आप आराम से p निकाल सकते हैं। तो p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यूज़ यहाँ पर 5 है और b की वैल्यूज़ 4 है। तो 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अंडर रूट में होगा 25 माइनस 16। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका p का जो वैल्यू होगा आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। ध्यान रहे रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होगा वो 3, यानी p बराबर आपका 3 हो गया। अब आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा के लिए क्या क्या है, जैसे कि कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा बचा हुआ क्या क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा p/h, यानी कि 3/5, एक ये आंसर हो गया। उसी तरह टैन थीटा बराबर होता है p/b, पी मतलब 3 और b मतलब 4, 3/4, ये एक हो गया हमारा। उसके बाद होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जस्ट इसी का, कॉट थीटा बराबर होता है b/p। b कितना है, 4 और 3, यानी 4/3। अब आते हैं हम कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, h कितना, 5 और p 3, 5/3। अब आते हैं sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है h/b, h कितना, 5 और b कितना, 4, 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर बोला था फाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पर टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए थे, जिसमें से हमने 5 यहाँ पर फाइंड किया, 1, 2, 3, 4, 5, जो यानी जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ठीक है। ये आ गया आपका क्लियर तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवेन है, तो tan थीटा बराबर 1/√2। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ए बी सी, इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, ये p हो गया, ये b हो गया, और 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर p/b, यानी कुल मिलाकर जो p का वैल्यूज आ गया आपका, जो p का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 1, एंड जो b का वैल्यू आ गया वो आपका √2। अब आप आराम से वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है p² + p² कहाँ से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर h कितना है, तो यहाँ पर एक्चुअली h आपको p और b वैल्यूज तो दिया है, h आपको निकालना है। तो p का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1² + b√2² एच स्क्वायर, 1² कितना होता है, 1 + √2² 2, यानी कुल मिलाकर 3। ध्यान रहे यहाँ पर जो h की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा √3। अब जब हमारे पास p की वैल्यू आ गया, b की वैल्यू आ गया और h की वैल्यूज आ गया, तो अब आराम से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्या है, कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर जानना है तो एच बाई पी होता है, याद रखिएगा, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी बाई एच होता है कॉस थीटा, उसी का उल्टा यानी एच बाई बी सेक थीटा का होता है, डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा एच बाई पी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली प्लस का सिंबल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, प्लस बोल रहे हैं गलती से, स्क्वायरिंग नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर का साइन रहता तो यहाँ स्क्वायर डालते, ठीक। प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, तो यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर डाल दो। अच्छा यहाँ पर h की वैल्यूज़ कितनी है, तो रूट थ्री है, तो यहाँ पर रूट थ्री डाल दो, और p के वैल्यू तो वन है पता ही आपको, तो रूट थ्री बाई वन माइनस h की वैल्यूज़ कितनी है रूट थ्री, और b के वैल्यू कितना है रूट टू, तो रूट थ्री बाई रूट टू इसका स्क्वायर। यहाँ पर कॉसेक थीटा है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हमसे यहाँ पर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, सॉरी ऑफ कोर्स सॉरी, तो यहाँ पर पावर देंगे स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो एच बाई पी, एच की कितनी वैल्यूज है रूट थ्री बाई पी वन, रूट थ्री बाई वन इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी बाई पी, बी मतलब कितना रूट टू और पी मतलब वन, तो रूट टू बाई वन, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, थ्री बाई वन मतलब क्या हुआ वन नहीं, थ्री बाई वन मतलब थ्री, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बाय रूट टू का स्क्वायर टू, यहाँ पर हो जाएगा थ्री प्लस टू, यहाँ पर हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ है, टू और वन कैल्सियम टू, टू थ्री जा सिक्स माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई फाइव, यहाँ सिक्स माइनस थ्री विल बी थ्री बाई टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन छिपा हुआ, ये ऊपर जाएगा वन बाई फाइव, कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो थ्री बाई टेन इसका आंसर आ गया। किसका, ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, इसका वैल्यू ये आ गया थ्री बाई टेन, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो टेन थीटा बराबर क्या गिवन है, तो टेन थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो टेन थीटा का आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी कुल मिलाकर जो हमारा पी का वैल्यू है वो है आपका थ्री एंड बी की जो वैल्यूज़ है वो है आपका फोर। तो यहाँ पर जो आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पता है आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये कहाँ से आता है, तो आपको पता है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा यहाँ पर पी और बी की वैल्यू तो एच आपको निकाल लेना आराम से, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर तीन प्लस चार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पी की जगह तीन है तो तीन डाल दिया, एच स्क्वायर बराबर हो गया नौ प्लस सोलह, यानी एच स्क्वायर बराबर ट्वेंटी फाइव, तो एच की वैल्यूज़ हो जाएगी अंडर रूट टू फाइव। ध्यान रहे प्लस माइनस नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेना है हमको, है ना, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड दिस, ओके वैल्यू, इसकी वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो क्या है वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ तक देख ले क्लियर तरीके से। तो वन माइनस कॉस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच और वन प्लस बी बाई एच, ध्यान रखिएगा वन माइनस बी बाई एच, बी की वैल्यूज़ यहाँ पर चार है और एच की वैल्यूज़ पाँच है, यानी चार बटा पाँच डिवाइडेड बाई वन प्लस फोर बाई फाइव। सॉल्व करते हैं तो पाँच में चार किया वन बाई फाइव, थोड़ा सा शॉर्टकट करें कोई दिक्कत नहीं, पाँच पाँच कैंसिल वन बाई नाइन इसका आंसर आ गया आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये चौथा नंबर इज़ कम्प्लीटेड, ये क्वेश्चन नंबर फाइव हम बनाने जा रहे हैं, क्या है टैन थीटा बराबर गिवेन है आपका ट्वेल्व बाई फाइव, यानी टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट, इसलिए जो हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा ट्वेल्व
एंड जो बी की वैल्यूज हो जाएगी वो 5। अब आप आराम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एच यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, पी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1469। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, तो बराबर हो गया 13। ये एच की वैल्यूज़ पी और बी और एच तीनों वैल्यूज़ निकल गया। तो अब आराम से आप इसकी वैल्यू यानी 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इसके वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैसे, 1 प्लस साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, 1 माइनस साइन थीटा यानी पी बाय 1 माइनस पी बाय एच। अब 1 प्लस पी की वैल्यू कितना है, 12 बाय 13, तो 12 बाय 13 और 1 माइनस 12 बाय 13। थोड़ा सा शॉर्टकट करा जाए तो 12 प्लस 13, 13 दो 15, 25 बाय 13 इंटू 13 बाई 13 में 12 गया एक, 13 कैंसिल, यू विल गेट 25। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25, क्लियर तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कॉट थीटा बराबर 1/√3, इट मींस कि कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, बी बाई पी यानी कि जो बी की वैल्यूज़ है वो हो गया 1 एंड पी की वैल्यू आपका √3। अब आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम सिंपली यूज़ करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एच की वैल्यूज़ निकालनी है, पी और बी की वैल्यू तो जानते हैं, पी की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, तो एच बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2, तो एच की वैल्यूज़ 2 निकल गया। बी और पी की वैल्यू तो पता है मेरे को, तो आप आराम से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यूज़ आराम से फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच इसकी स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन थीटा पी बाई एच का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ बी है जो भी वैल्यू है बी का वो बैठाओ, एच का जो भी वैल्यू है बैठा लो, आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसकी वैल्यूज आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर √2, तो देखो कहीं ना कहीं 1 भी छुपा हुआ है, तो कॉसेक ए बराबर होता है साइन ए बराबर साइन ऑफ एंगल इक्वल होता है पी बाई एच, तो ये होता है एच बाई पी, यानी कहीं ना कहीं जो h की वैल्यू है वो है आपका √2 एंड p की वैल्यू 1 है। तो आपको पता है कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आप क्या करोगे यहाँ पर h की जगह √2 डालोगे, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 बराबर 1 प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो b स्क्वायर बराबर 1, तो b बराबर हो गया √1, √1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर b का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू, p का वैल्यू, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी वैल्यू फाइंड करने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर a प्लस 3 कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 टैन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। तो आपको पता है साइन ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, इसका स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर ए यानी कि टेन का पी बाई बी, बी बाई पी का स्क्वायर बाय 4 टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर यानी पी बाई बी का स्क्वायर माइनस बी बाई एच का स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली आगे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व कर दें क्या, कर देते हैं। देखो 2 है पी बाई एच, पी मतलब कितना 1 और एच मतलब यहाँ पर √2, तो 1 बाई √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी बाई पी, बी का 1 और पी का 1 यानी 1 का स्क्वायर बाय 4
बी बाई बी, पी बाई बी मतलब कितना, 1/1। अच्छा एक मिनट, हाँ वही होगा, बी बाई पी अभी 1 ही होगा ना। पी बाई बी मतलब 1 प्लस बी बाई एच, बी बाई एच 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। आगे इधर सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 1/√2 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 3, 4, 1 − 1/√2 का दो बार लिखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 + 3, 4/4, 1 − 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 2, 2 − 1, 4, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1/1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 2, ठीक है। नौ नंबर है 3 cos θ = 1, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/3, cos थीटा का वैल्यू होता है, cos थीटा बराबर होता है h/b, नहीं गलत गलत गलत, b/h, तो सो b बराबर हो गया हमारा 1 एंड h बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर p फार्मूला जानते हैं, h² = p² बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर, तो h की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, और p तो रहने दो, और b का यानी 1 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 बराबर p² + 1, 9 − 1 = p² p² = 8, तो p बराबर √8, यानी p की वैल्यू हो जाएगा 2√2, ये p की वैल्यू निकल गया। अब आराम से यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin²θ + 10²θ / 4 cos θ, इसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो 6 sin θ, ये हमारा हो गया 6 × sin θ का p/h होता तो p/h का होल स्क्वायर प्लस 10θ का p/b, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर एक्चुअली b/h का होल स्क्वायर नहीं देना चाहिए था, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा b/h का होल स्क्वायर नहीं दीजिएगा, केवल आपको b/h लिखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। p/b मतलब 2√2/1, तो 2√2 का स्क्वायर बाई 4 × b/h, यानी b/h मतलब 1/3, यानी 6 × 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 8/9 + 8/4 × 1/9। आगे सॉल्व करते हैं, 48/9 + 8/4/9 कितना हो जाएगा, 72 और 48, 8 × 2 = 0, हाथ में 120 × 9 × 9/4, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9 कैंसिल, 4 × 3 = 12, 0, तो आंसर हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि इफ़ √3 tan θ = 3 sin θ, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ इतना, ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। √3 tan θ = 3 sin θ, ठीक, आपको बता दें tan थीटा बराबर होता है sin θ / cos θ = 3 sin θ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर sin θ और sin θ कैंसिल हो गया, और √3 cos θ = 3 हो गया, इधर ये cos थीटा को उस साइड भेजते हैं, ठीक है, तो √3 by 3 = cos θ, क्लियर है, यानी cos θ = √3/3। अब क्या करो, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो यहाँ हो जाएगा cos θ = कितना हो जाएगा, 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत भी नहीं, आराम से, ठीक है।
बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, सो बी बराबर कितना हो गया आपका 1 एंड एच बराबर हो गया 3 रूट 3। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच की जगह रूट 3 डालें, रूट 3 का स्क्वायर, पी की जगह पी तो निकालना है, बी की जगह 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर प्लस 1, तो 2 बराबर पी स्क्वायर यानी पी बराबर हो जाएगा रूट 2। तो पी की वैल्यूज निकल गया, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू, तो आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच इसका स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, तो पी बाय एच मतलब कितना हो गया रूट 2 बाय रूट 3 इसका स्क्वायर, और बी बाय एच का कितना वैल्यू दिया है 1 बाई रूट 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ पूछेगा 2 माइनस 1 बाई 3 बराबर 1 बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर तरीके से, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ठीक है। आपको बता दें जो 11 क्वेश्चन नंबर है आप खुद से बना लेना, या 12 नंबर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा, फाइंड द कॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जाएगा रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर रूट 2 माइनस 1, ध्यान रहे कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।